पूरे रावी में सिर्फ 4 से 5 मीटर लगे हुए हैं, तकरीबन कोई 10-12 होटल हैं और इन 4-5 मीटरों में से 1 मीटर बंद भी है। ये पानी का इतना बड़ा पंप लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है। पूरे रावी में सिर्फ 4 से 5 मीटर लगे हुए हैं, 4 से 5 मीटर हैं और यहाँ पर लगभग तकरीबन कोई 10-12 होटल हैं और कुछ इस तरह के कमरे हैं जहाँ पर लाइट इस्तेमाल हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ यही मीटर लगे हुए हैं और इन 4-5 मीटरों में से 1 मीटर बंद भी है। ये दिखाएं, ये देखें, ये बंद पड़ा हुआ है, ये बंद है और दूसरा मीटर मैं आपको दिखाऊंगा, इधर लेकर आओ। इस मीटर में सिर्फ 2 तारें लगी हुई है और ये नाम का मीटर लगा हुआ है, ये देखें। ये सिर्फ दिखाने के लिए इसलिए लगाया गया है कि भाई मीटर लगा है और ये सिर्फ चल रहा है और ये तारें सिर्फ डायरेक्ट लगी हुई हैं ऊपर। ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, ये ऊपर सारे डायरेक्ट तारें लगी हुई हैं। 2 तारें लगी हैं, जो 2 तारें लगी हैं वो नहीं लगी हुई कुछ। ये दिखाएं जी, ये 4-5 मीटर चल रहे हैं पूरे रावी में और यहाँ पर लगभग कोई 10-12 होटल है और इस तरह कुछ कमरे भी हैं जहाँ पर लाइट इस्तेमाल हो रही है, यानी कि पखे चल रहे हैं और फ्रीज़र पड़े हुए हैं। हमने आपको दिखाए हैं होटलों में फ्रीज़र में बोतलें ठंडी हो रही हैं, कारोबार हो रहा है, बिज़नेस हो रहा है। और जब हम सवाल करते हैं तो कहते हैं जी ये मलाह है, मलाह ने लगवा कर दिए जी, मलाह के पास सारा ठेका है यहाँ का, रावी का। ये देखें यहाँ पर ये पानी पंप लगा हुआ इतना बड़ा, ये दिखाएं, ये देखें जी, ये पानी का इतना बड़ा पंप लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है और ये तार जा रही है, ये देखें ये तार जा रही है सीधा, ये तार देखें, ये तार जाएगी सीधा उस साइड पर, वो सीधा बाहर उधर जा रही है, पीएचए के दफ्तर जा रही है। तो ये दिखाने का मकसद है सिर्फ 5 मीटर हैं पूरे रावी में, जो बाकी के होटल हैं, जो दुकानें हैं, जो कमरे हैं, उनके मीटर किधर लगे हुए हैं, वो कहाँ से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर तो यही है कि 1 मीटर से 5-5 दुकानें चला रहे हैं, 1 मीटर से 5-5 कमरों को लाइट दी गई है और यहाँ पर ये सारा सेटअप चल रहा है। और जब हम सवाल करते हैं तो फिर कहते हैं जी ये मलाह, जो मलाह है यहाँ कर, जो ठेकेदार हैं, वो ये सब काम यानी कि करवा, मलाह का नाम जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा है और मलाह को जो है वो बीच में घसीट रहे हैं। जाहिर सी बात है फिर मलाह ले रहा होगा इनसे हफ्ता या महीना, तो इसलिए ये काम हो रहा है। ये दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं, ये तारों का सारा सेटअप है, हर चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है, ये सारे मीटर लगे हुए हैं। तो नाज़रीन कहाँ है हमारा वापडे का जो हमला होता है एसडीओ साहब, किधर है वो, कभी आकर कभी इतनी फुर्सत मिली है एसडीओ साहब को एसी वाले कमरे से बाहर निकल के यहाँ पर ज़रा विज़िट कर लें रावी के नीचे, ज़रा बिजली का निज़ाम देख लें कि यहाँ पर कितने दुकानों में बिजली चोरी हो रही है, कितनी झोंपड़ियों वालों को बिजली दी गई है, जैसे कि हमने आपको दिखाया भी है पूरी झोंपड़ी में, एक झोंपड़ी में वीडियो गेमें चल रही हैं, कहाँ पर है उसका मीटर। ये सारा जो है ना बिजली चोरी हो रही है, लेकिन जो इसका अजर वो गरीब इस जो फिसर इसका जो हफाला कफाला है वो गरीब आवाम जो है ना वो निकालती है, क्योंकि गरीब आवाम के जेब से पैसे निकाले जाते हैं, गरीब आवाम फिसती है, गरीब आवाम बिल जमा जमा करवा करवा के मर जाती है, फिस जाती है, लेकिन क्या करें माफिया सरगर्म है। जब तक हमारे पाकिस्तान में ये माफिया सरगर्म है तो गरीब मज़ीद फिसता जाएगा और मरता जाएगा और मज़ीद बिजली महंगी होती जाएगी। तो माफिया को ख़त्म कौन करेगा, जो हमारे इदारे वाले हैं, लेकिन इदारे सो रहे हैं, इदारों को मंथलियाँ मिलती हैं आराम से, उनकी क्या जरूरत कि वो आके माफिया को रोके, माफिया को पकड़े, क्योंकि माफिया को इदारे को मंथलियाँ मिलती हैं इसलिए, क्योंकि ये वापडे का काम है आगे यहाँ पर चेक करना किसकी तार कहाँ पर लगी हुई है, मीटर कहाँ लगा हुआ है। लेकिन नहीं, ये ऐसा कभी नहीं होगा। आना बहुत ज़रूरी था, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह।